श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, मेरी कोशिश रही कि एक इंटरव्यू के माध्यम से आप हमारी राष्ट्रपति जी को थोड़ा बेहतर जान पाए। शायद इस कोशिश में मैं थोड़ा बहुत कामयाब हुई, लेकिन आज सवाल करती हूँ। यू मे नो योर राष्ट्रपति, बट डू यू नो योर राष्ट्रपति भवन? चौरानवे साल, 330 एकड़, 340 कमरे, इस गणतांत्रिक भव्य भवन का इतिहास जानिए। नो योर राष्ट्रपति भवन। 2500 साल पहले सम्राट अशोक के अभिलेखों का साक्षी कमल पुष्प पर विद्यमान ये रामपुरवा वृषभ स्तंभ का शीर्ष हिस्सा राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल साक्षी बना सत्ता के हस्तांतरण का, ट्रांसफर ऑफ पावर ब्रिटेन की मोनार्की और हिंदुस्तान के बीच। और इस दरबार हॉल की शोभा बढ़ाता लगभग 1700 साल पुराना गुप्त काल का ये स्टैचू, भगवान बुद्ध के स्टैंडिंग पोजीशन का ये स्टैचू आशीर्वाद देता। 3 जून 1947 भारत का विभाजन ऑल इंडिया रेडियो पर घोषित हुआ। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तानी हुकूमत के लोगों ने शपथ ली। 15 अगस्त जिनका सौभाग्य था भारत में सरकार बनाने का, उन्होंने शपथ ली। और 17 अगस्त इसी कमरे में टेबल के दो छोरों पर बैठे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्रतिनिधि और उनके बीच बांटे गए कागज एक बटे हुए देश के, भारत पूर्णतः विभाजित हुआ। जिस कमरे में राष्ट्र के विभाजन की योजना बनी, जिस कमरे में विभाजित राष्ट्र के कागजों का भी बंटवारा हुआ, उसी कमरे में हमारे देश की कैबिनेट मीटिंग भी हुई। लेकिन इसी कमरे की एक और खासियत है, अगर आपकी निगाह थोड़ा ऊपर जाए तो आपको दिखेगा कि नब से और जल से अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान कैसे आता था और इस मैप में हनुमान जी क्या कर रहे हैं। राष्ट्रपति, अंगरक्षक के निशान के बारे में कुछ बताएं। मेरे दाहिनी ओर ये निशान 16 नवंबर को रेजिमेंट को प्रदान किया गया है और ये निशान भारतीय सेना में सर्वश्रेष्ठ निशान। 1958 में सबसे पहली बार भारतीय सेना में जब निशान दिए गए तो स्टैंडर्ड ऑफ बॉडीगार्ड यानी अंगरक्षक का निशान प्रदान किया गया। उसके बाद 1963 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ये निशान दोबारा प्रदान किया। व्हाट इज द सिल्वर ट्रम्पेट? सिल्वर ट्रम्पेट वो निशान है ऑनरेबल राष्ट्रपति अपने अंगरक्षक को अपने टेन्योर या अपने कार्यकाल के दौरान प्रदान करते। सिल्वर ट्रम्पेट के साथ में एक बैनर जो है प्रदान किया जाता है। आप देख सकते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने 27 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय अंगरक्षक को ये सिल्वर ट्रम्पेट और बैनर प्रदान किया था। ये सिल्वर ट्रम्पेट और बैनर सेरेमोनियल मौके पर का ट्रम्पेटर परेड पर धारण किया जाएगा। सिक्किम की एक उछाल से भारत को मिली एक सुनहरी बकरी। राष्ट्रपति, हिंदुस्तान की उस अनोखी दास्तां के बारे में बताइए जिसमें एक सिक्का उछाला गया और हिंदुस्तान को राष्ट्रपति की बग्घी मिली। राष्ट्रपति जी की बग्घी तकरीबन 100 साल पुरानी, ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया बग्घी है जिसको कि कलकत्ता में स्टुअर्ट एंड को नाम की एक कंपनी ने बनाया था। और बग्घी जो सेट था उसमें एक गोल्ड और एक सिल्वर का बग्घी था। आजादी के बाद राष्ट्रपति अंगरक्षक का बंटवारा और आधा रेजिमेंट पाकिस्तान चला गया। कमांडर ठाकुर गोविंद सिंह जी जो थे वे हिंदुस्तान में रहे प्रेजिडेंट बॉडीगार्ड के कमांडेंट के तौर पे और हमारे 2IC कैप्टन साहबजादा याकूब खान नियुक्त किए गए पाकिस्तान जाके राष्ट्रपति अंगरक्षक रेस करने के लिए। इस बंटवारे में बग्घी के सेट का जब जिक्र हुआ और फैसला करा जाना था कि कैसे इसका बंटवारा हो तो एक टॉस किया गया। ठाकुर गोविंद सिंह जी के जीतने के उपरांत गोल्डन बग्घी राष्ट्रपति अंगरक्षक ने रिटेन किया और सिल्वर बग्घी पाकिस्तान भेज दिया गया। घोड़े की मेहर क्या होती है? राष्ट्रपति अंगरक्षक और घोड़ों का एक नया रिश्ता हमारे लिए, घोड़े बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हीं की मेहर से, इन्हीं के आशीर्वाद से रिसाले चलते हैं और जंगें जीती गई हैं इतिहास में। आज राष्ट्रपति अंगरक्षक इसी इतिहास का
को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इंडियन आर्मी में और राष्ट्रपति जी की सेवा। घोड़ों के लिए गोट स्पेशल गोट घोड़ों को खिलाया जाता है उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद लेने के लिए और उनको शमाशी देने के लिए। कहते हैं कि जिन्हें घोड़ों का आशीर्वाद नहीं मिला वो पनप नहीं पाते, दे डू नॉट प्रिवेल। क्या होती है राष्ट्रपति भवन की सेरेमोनियल बटालियन? बटालियन बदली समारोह राष्ट्रपति भवन में आपका स्वागत है।